राम राम सा, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है एकता और आज मैं बनाने वाली हूँ एक सिंपल सी रेसिपी जिसका नाम है लच्छा प्याज, जो कि होटल रेस्टोरेंट वगैरह में मिलते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए कैसे बनाते हैं वो लोग, सिंपल सा तरीका है इसको, एक आसान तरीका है बनाने का। तो चलिए मैं वो तरीका आपको बता देती हूँ, शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने एक बाउल में ले लिया 6 से 7 प्याज, जिसको अच्छे से छिल के धो लिया है, और यहाँ पर अब काटना है इसको, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्याज को कट कर लेते हैं, इसको एकदम गोल गोल काटेंगे। आराम से इस तरह से इसको कट कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से ये कट के तैयार हो जाते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से सारे प्याज मैं कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने सारे प्याज को गोल गोल कट कर लिया इस तरह से, और अब क्या करना है आपको, इस तरह से इसको अलग अलग करनी है, इसकी सभी गोल गोल जो राउंड है ना, इसको इसी तरह से अलग कर लेनी है सभी पंखों को, इस तरह से प्याज की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने सारी प्याज की लहरों को अलग कर लिया, ये देखिए इस तरह से सारी अलग अलग हो चुकी है। अब इसको ठंडे पानी से अच्छे से धो लेंगे, जिससे ये लंबे समय तक क्रिस्पी बनी रहेगी। 2 बार इसको ठंडे पानी से धो लेना है। बस इस तरह से, ज़्यादा मसलना नहीं है, बस इसको पानी से निकालना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अच्छे से 2 बार मैंने इसको धो लिया है प्याज को। अब इसके अंदर डाल देंगे अपन स्वाद अनुसार मिर्ची, कम तीखा पसंद करते हो तो कम डालिएगा, और आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब डालेंगे इसमें काला नमक स्वाद अनुसार, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, थोड़े से हरी धनिया की पत्तियाँ बारीक कटे हुए, और एक नींबू का रस इसके अंदर निचोड़ देंगे, जिससे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे हमारे प्याज के लच्छे। और किसी भी चीज़ के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगेंगे। तो होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह में इसी तरह से सिंपल तरीके से बना के वो तैयार करते हैं। एक नींबू का रस मैंने इसके अंदर डाल दिया, अब थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची इसके ऊपर से डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथ से भी कर सकते हैं, चम्मच से भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा। मैं यहाँ पे चम्मच से कर रही हूँ, हल्के हल्के हाथों से करना है, बहुत ज़्यादा इनको मसलना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया, ये देखिए आप, बहुत लग रहे हैं टेस्टी यम्मी। चलिए इसको एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक प्लेट के अंदर इसको सर्व कर लिया है, बहुत ही टेस्टी बना है। तो इसको आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत यम्मी लगते हैं और बहुत सिंपल है इसको बनाना। तो कैसी लगी आज की हमारी सिंपल सी रेसिपी, ज़रूर बताना कमेंट के अंदर। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी अच्छी सी न्यू रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।